आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेरे बच्चे? जी हाँ मैंने है। आज इतनी जल्दी जल्दी आ गए? हाँ वाओ लुकिंग सो नाइस, थैंक यू। आज आप ये ड्रेस पहन के गए थे? इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? इसी टाइम से आते हैं। हाँ ये 6 o'clock मैं समझी, अभी 5 o'clock भी नहीं। मैं पता क्या समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ 4:45 हो रहे हैं। तो सीधा करें ये 5:45 हो रहे हैं। 5:40 हो गया। और आपको पता है गैस नहीं थी आज है? अभी आई है गैस, खाना नहीं बना, नहीं अभी गैस आई है। अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला वॉशरूम में। तो अभी कौन बाहर बोल रहे है? वो अगर से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या आपने खाना नहीं बनाया? खाना नहीं बनाया ना, जाहिर गैस अभी आई है, क्या करूं मैं। चल नहीं थी जी नीचे, अब्दुल्ला गोगू गया नीचे वाले, नीचे वालों से भी पूछ के आ नहीं थी गैस में, बार बार चेक कर करके बच्चा भूखा बैठ रहा, कुछ था ही नहीं उसको मैं देती, वो जाहिर गैस ही थी, मैं कैसे बना के देती उसको। मैं लग रही है ना। और इसको देखो, इसको देखो, इसका कोई काम नहीं। अंदर देखो, अंदर देखो, आप अंदर देखो, इसको देखो जरा, इसको देखो, इसको और कोई काम नहीं है बगैर, सारा दिन टैब होते और ये होता है बस। तो ये देखें जी, हमारी गैस ही नहीं थी, बच्चे आ गए, और ये देखिए हम बच्चों से बात करने लगी, तो दाल का ये बन रही है दाल माश, और ये बन रहे जी, आज मैं नई रेसिपी से बना रही हूँ मटर एंड चिकन का पुलाव, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, और बेटे दोनों बेटे खाएंगे जी दाल माश। ये दाल माश उबलने के लिए रखी, तो चलो मैं जल्दी से खाना बना लूँ, बच्चे आ गए हैं, तो मैं बाद में आपसे खाना बना के फिर बाद में मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। ओके ये देखिए जी, आज घर में बने हमारे लोबिया, राइस और लोबिया। अच्छा ये मैंने खाना बच्चे खा चुके हैं, हम लोग सब खा चुके हैं, तो मुझे पहले याद नहीं रहा कि मैं आप लोगों को दिखा देती, अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा चले मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये राइस है बच्चों के लिए बने, राइस और लोबिया, ये थोड़ा थोड़ा ही बना है और थोड़ा थोड़ा ही बच गए, और ये मैंने अपने लिए बनाया लौकी का सालन। मैं क्योंकि लोबिया मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती, तो फिर मैंने अपनी अलग से सालन बनाया, और छोटे बेटे को बना के दिए आलू का पराठा। और आए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, ये देखेंगे मैंने कबाब की कर रही हूँ तैयारी, कबाब बनाने आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने इस नूडल्स उबाली, स्पगेटी जो थी वो, और ये मैंने 2 अदद आलू, और ये आधा आलू बच्चे बेटे का पराठा बनाया, उससे बच्चा हुआ तो ये भी मैं डाल दूंगी, तो मैं जब बनाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो ये जी यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन एंड स्पगेटी के कबाब, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने ले लिए थे आलू यहाँ पे, आपको जितने आलू चाहिए हो आपकी मर्जी, आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे तो ज्यादा ले लें, कम क्वांटिटी में बनाना चाह रहे तो कम आलू ले लें। तो मैंने आलू ले लिए थे अंदाजे से, जितने मुझे कबाब चाहिए थे उसके लिए, तो मैंने आलू को यहाँ पे बॉईल कर लिया, बॉईल करके इनको हाथों से मैंने ऐसे मैश कर लिया, और उसके बाद ये मैंने बॉईल नूडल्स डाल लिए थे इसमें, स्पगेटी जो होती है वो, और ये भी मैंने अंदाजे से ही डाली थी। आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो आलू की क्वांटिटी है वो कम रखनी है, वो आप ज्यादा रखेंगे तो वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और मैंने चिकन लिए था ज्यादा सारा, काफी उसमें मिकदार में, क्योंकि आप चिकन ज्यादा लेंगे तो ही अच्छा टेस्ट आएगा, वरना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसको मैंने बॉईल कर लिया था सिंपल सॉल्ट डाल के, इसको बॉईल करके और हाथों से मैंने इसको श्रेड कर लिया था, श्रेड करके, और इसमें मैंने ये कुटा हुआ लहसुन डाल दी, पिसा हुआ नहीं कुटा हुआ लहसुन आपने लाजमी डालना है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लहसुन डाल दिया मैंने, उसके बाद कुटा हुआ और कुटी हुई मैंने इसमें डाल दी काली मिर्चें, ये काली मिर्चें जो हैं ये भी कुटी हुई है, पिसी भी नहीं है, और इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 3 टेबलस्पून में इसमें डाल दूंगी तंदूरी जो तिक्का मसाला जो होता है ना चिकन तिक्का, वो आप डाल दें इसमें। मैंने 3-3.5 चम्मच मैंने वो डाला था, और उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन, आपने ये याद रखना है इसमें जो जो जायका आएगा और जो इसका ज्यादा अच्छा टेस्ट जिस चीज के आएगा, जिस चीज से आएगा वो लहसुन और अजवाइन है, उसका टेस्ट ज्यादा आएगा इसमें, तो उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, या आपने लाजमी डालना है, इसको स्किप नहीं करना। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जो है रेड चिली पाउडर वो, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट यहाँ पे डाल दिया, सॉल्ट टू टेस्ट आप डाल लें, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चिकन पाउडर, तो चिकन पाउडर भी मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून लिया था, इसको मैंने डाल दिया, डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी, और ये मैंने सफेद मिर्च का पाउडर भी यहाँ पे डाल दिया, सफेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च जो है वो कुटी हुई है, ये आपने याद रखना है। तो इसको डाल के अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला एक एक जो है आपस में सारे वो जो है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा और कहीं
कम हो, तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने शेप दे देनी है इसको, जितने आप बड़े रखना चाहें, छोटे रखना चाहें, अपनी मनचाही शेप आप दे सकते हैं। तो मैं इसी तरह इसको हाथों की मदद से अपनी जितनी मुझे छोटी बड़ी टिक्कियां चाहिए उस तरह की बना लूंगी। बना के नीचे एक मैंने शीट रख ली है, शीट के ऊपर मैं इस रखती जाऊंगी, वही जो पुराना तरीका के एक के ऊपर मतलब पूरी एक शीट के ऊपर हम लोगों ने तय लगा देनी, उसके ऊपर फिर शीट रखनी, फिर उसके ऊपर दूसरे कबाब रखने। तो यूं और ये बन गए थे मेरे सारे कबाब। तो उसके बाद मैंने ये देखे, मैंने फ्राई करके बच्चों के लिए मैंने फ्राई की थी, बच्चों ने कहा मामा जी हम लोगों ने टेस्ट करने फ्राई कर दी, तो मैंने फ्राई कर दी तो बहुत अच्छे बने थे। तो मैंने फाइनल लुक भी आपको दिखा दी, और ये देखे फिर मैंने टिक्कियां सारी बना ली, बना के मैंने तो इनको मैं फ्रीज कर दूंगी। तो जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे फिर इनको मैं किसी बैग में डाल के तो रख दूंगी। तो हाथ यहाँ पे काफी गंदे हुए हुए मेरे आपको नजर आ रहे होंगे, तो हाथों को मेरे इग्नोर करिएगा, क्योंकि आलू डले हुए तो आलू आपको पता है सारे हाथों पे चिपक जाते हैं। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।